गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन। सारे लोग कैसे हैं? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे और सभी को भारत माता की जय। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल युवान एडुसर्व। मेरा नाम नागेश श्रीवास्तव है। मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ, एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। आज टॉपिक हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का ज्योग्राफी का जो सेकेंड चैप्टर है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास 10 के एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का हम लोग सेकेंड चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आप एक मेरे यूट्यूब चैनल को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे क्विजेज हैं, बहुत सारे एनसीईआरटी के लेक्चर्स मौजूद हैं जिसको आप बारी बारी से आप देखेंगे। यहाँ पर आपको टॉपिक ओरिएंटेड हैं, क्विज हैं, आपको एनसीईआरटी के चैप्टर्स फुल्ली एक्सप्लेन्ड है। याद रखिएगा, एनसीईआरटी जब भी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे, आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपके दावों को, क्लेम्स को स्वीकार किया जाएगा एनसीईआरटी से। तो लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझना है तो ये आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इतना सपोर्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। कोई चीज़ फ़ायदे के लिए नहीं है, सब चीज़ समाज सेवा के लिए है, तो आप इसे भी विजिट कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो मेरा हमेशा से वही तरीका रहा है कि सामने बुक रख लीजिए, एनसीईआरटी बुक रखिए, एक पेन पेंसिल रखिए, जो लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ उसको समझिए, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि दुनिया भर का एनिमेशन VFX CGI मार दुनिया भर का डाल दिया जाए तो ही समझें। सिंपली आपको लाइन बाय लाइन समझना है और इससे आपका 110% आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिएगा, चैप्टर पूरा समझ आ जाएगा। चीज़ों को समझ लिया, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी सोशल साइंस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ से तो क्वेश्चन नीट में आता है, यहाँ से तो क्वेश्चन IIT JEE में आता है, ज्योग्राफी से स्पेशली। तो इसे पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन समझिएगा चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहले देखिए, वी शेयर दिस प्लैनेट, इधर आ जाए भाई, हाँ, वी शेयर दिस प्लैनेट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इस वाले पैरा की तरफ देखिए। वी शेयर दिस प्लैनेट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया। अब देखिए, हमारे प्लैनेट पर हम लोग ही नहीं अकेले हैं, यहाँ पर मिलियंस में लिविंग बींग्स रहते हैं, जिसमें बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया रहते हैं, लाइकेंस हैं जो बनियन ट्री पे आपको मौजूद होते हैं, एलिफेंट है, ब्लू वेल्स हैं। लाइकेंस क्या है एक बार देख लीजिए, लाइकेंस क्या होता है इसको समझ लेते हैं, है ना। ये देखिए LICHEN, लाइकेंस इन बनियन ट्री, इसको देखिए कैसे दिखते हैं। ये कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेंगे, है ना, ये कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, पेड़ों पर ये पाए जाते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग, है ना। ये अराइज करते हैं फ्रॉम एल्गी और साइनोबैक्टीरिया लिविंग फ्रॉम फिलामेंट ऑफ मल्टीपल फंजाई स्पीशीज, ऑर्गेनिज्म है, है ना, जो पाए जाते हैं पेड़ों वगैरह पे पाए जाते हैं, इस तरह से लगे हुए दिखेंगे, ठीक है। तो लाइकेंस हैं, ये भी मिलते हैं आपको। दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज़ ए इमेंस बायोडाइवर्सिटी, जो ये पूरा का पूरा आपको जो हैबिटेट है जहाँ हम लोग रहते हैं, ये ज़बरदस्त जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के तहत आता है। बायोडाइवर्सिटी क्या है भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये क्या नीचे पर है। वी ह्यूमंस अलॉन्ग विथ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। हम ह्यूमंस और साथ में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हम लोग साथ में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स वेब बनाते हैं, किस चीज़ का, इकोलॉजिकल सिस्टम का, यानी अपने जो जैव जो संरचना है उसमें हम लोग एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाते हैं। देखो, जैसे बोलते हैं ना कि ग्रास है, ग्रास को रैबिट खाएगा, रैबिट को चील खाएगी या सांप खाएगा या उसको कोई और खाएगा, तो ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र है या फूड वेब है, जो चेन है पूरा, ये हम लोग इसके पार्ट आते हैं। ये आप लोग बायो में पढ़े हुए हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, द प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ। देखो, जैसे पौधे हैं, जानवर हैं, या छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनका क्या कार्य है, ये आपको एयर की क्वालिटी को बेहतर करते हैं। प्लांट है, ऑक्सीजन छोड़ेगा, है ना,
कार्बन डाइऑक्साइड ये इनहेल करेगा प्लांट, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, तो जितना प्लांट होगा उतना अच्छा एयर क्वालिटी वहाँ पे होगी। फिर तब वाटर वी ड्रिंक, यहाँ पर आपको जो पानी है उसकी शुद्धता भी सही करता है। सॉइल जिसपे जिस पर कि हम अपने फूड के लिए निर्भर करते हैं, सॉइल में ह्यूमस कंटेंट बढ़ेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होना ज़रूरी है ना सॉइल में। तो ये सारी चीज़ें आपको, जो ह्यूमस है तो ह्यूमस में सड़े गले कुछ भी जो भी मरा हो रहा वो उसी में जाता है मिट्टी में, है ना, फर्टिलिटी बढ़ाता है। तो हम लोग हर तरीके से एक दूसरे पर निर्भर हैं। फॉरेस्ट प्ले ए की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम एज दीज आर ऑल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच ऑल अदर लिविंग बींग्स डिपेंडेंट। फॉरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बोला जाता है ना कि किसी भी देश में या किसी भी जगह पर फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और समझ लीजिए कि उस जगह का पूरा इन्वायरमेंट उस पर डिपेंडेंट होगा। क्योंकि ये एक क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है की रोल प्ले करता है हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में, क्या ये यहाँ पर ये हम दीज आर ऑल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर, यानी फॉरेस्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर है। प्राइमरी प्रोड्यूसर का मतलब जिस पर कि अन्य निर्भर करते हैं, है ना, अदर लिविंग बींग्स जो हैं वो डिपेंडेंट है अन्य। अब जंगल है, पेड़ पत्ते हैं, पौधे हैं, घास वगैरह है, तो वहाँ पर आपको हार्बीवोरस एनिमल मिलेगा, आप हार्बीवोरस के चक्कर में कार्निवोरस आएंगे, है ना। तो यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या है, फॉरेस्ट, जिस पर कि आपको डिपेंडेंसी है आपको अदर लिविंग बींग्स का। चलिए इतना समझ आ गया, फिर आगे चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक ही है, इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज। देखो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी कहिए, ये ज़बरदस्त रिच होते हैं, पाया जाता है क्या, वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव, और कल्टिवेटेड स्पीशीज डाइवर्स इन फॉर्म, ज़बरदस्त स्पीशीज पाई जाती हैं, है ना, आपको प्रजातियाँ पाई जाती हैं, है ना, डाइवर्स होता है हर एक रूप में, उनका फंक्शन अलग अलग होता है। डाइवर्स का मतलब विविधता, अलग अलग, बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन सिस्टम, लेकिन ये अलग अलग हो करके भी इंटीग्रेटेड यानी एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, है ना, जिस पर कि मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंसीज यानी आपको एक दूसरे पर निर्भर हैं, आपस में इस तरह से गुथे हुए हैं क्योंकि ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं पूरी तरीके से। हर ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी पर निर्भर ना हो, है ना, यानी हम प्लांट, हम फूड के लिए प्लांट पर निर्भर हैं, एनिमल्स पर निर्भर हैं, है ना, तो एनिमल्स हैं तो वो भी प्लांट ओरिएंटेड प्लांट पर निर्भर हैं, वो अदर एनिमल्स को खा करके भी जीवित रहेंगे, तो हर कोई इस कॉम्प्लेक्स फूड वेब में आता है। चलिए फ्लोरा और फाउना इन इंडिया, अच्छा अगर हम लोग देखें, ये थोड़ा डेटा इसमें है तो उसमें ध्यान से समझिएगा। इफ़ यू लुक अराउंड, इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, इस साइड में देखिएगा, इफ़ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन योर एरिया। अगर आप देखें, ध्यान से देखिएगा, तो आपके आसपास के क्षेत्रों में कुछ ऐसे प्लांट होंगे, मे बी कुछ ऐसे जानवर हो सकते हैं जो काफ़ी यूनिक होंगे, अलग होंगे। इनफैक्ट इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हर मामले में बहुत लकी है, भाग्यशाली है, यहाँ पर ज़बरदस्त बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आप देखो ना, यहाँ पर सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी पाया जाता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी पाया जाता है, डिसीडियस भी पाया जाता है, माउंटेन फॉरेस्ट भी पाया जाता है, यानी आप यहाँ पर ज़बरदस्त डाइवर्सिटी, अलग अलग तरह के आपको वेजिटेशन टाइप मिलेंगे, क्लाइमेट टाइप मिलेंगे। दिस इज़ पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। अगर हम लोग खोजने पाए कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं और खोजने पाया जाए, तो अभी भी डिस्कवर करना है, ये शायद हो सकता है दुगना तिगुना हो जितना हमें पता हो, है ना। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल अबाउट द एक्सटेंट एंड वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया। आप क्लास नाइन्थ में पढ़ चुके हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, क्लास नाइन्थ में ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ चुके हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ह्यूमंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यू मे हैव रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज इन आवर डेली लाइफ। क्या आपको नहीं लगता है कि आपके डेली लाइफ में इन रिसोर्सेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, है ना। दीज डाइवर्स फ्लोरा और फौना आर सो वेल इंटीग्रेटेड इन आवर डेली लाइफ दैट वी टेक दीज फॉर ग्रांटेड। ये जो फ्लोरा और फौना है ना, ये इतना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ में हम लोग को ऐसा भी लगता है कि गिफ्ट ऑफ नेचर है, तो चलो जितना एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, हम फ्लोरा है आपका
तो भाई जितना पेड़ पौधा है सब काटते चलो, फौना है एनिमल किंगडम मारते चलो, ऐसा नहीं होता। आपको वहाँ पे एक इनसेंसिटिव नहीं हो सकते आप, है ना। बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरनमेंट। यानी हम लोग कहीं ना कहीं केयरलेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनसेंसिटिव हो रहे हैं नेचर के प्रति। इस कारण से इसका भयंकर गंभीर परिणाम हो सकता है कि भुगतना पड़े। चलो कुछ डेटा देख लेते हैं। सम एस्टिमेट सजेस्ट दैट एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्ड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन द थ्रेटन लिस्ट। देखो कुछ एस्टिमेट लगाया गया है कि जो खतरे में कौन कौन है। 10% इंडिया का रिकॉर्डेड, यानी इंडिया का टोटल में का 10% जो फ्लोरा है और 20% मैमल्स, ये अभी थ्रेटन लिस्ट में, यानी खतरे की अलार्म की घंटी बज चुकी है। इसका एक्सटिंक्शन हो सकता है, ये फिर दोबारा नहीं दिख सकते हैं, ये थ्रेटन लिस्ट में है, मतलब कि इनका एक्सटिंक्शन हो सकता है, ये कभी दोबारा नहीं दिखेंगे। मेनी ऑफ दिस वुड नाउ बी कैटेगराइज एज क्रिटिकल दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। यानी कई तो इसमें ऐसे भी हैं जो कि क्रिटिकल पोजिशन में आ गए हैं कि शायद हो सकता है कि ये दोबारा भी ना दिखे। जैसे फॉर एग्जाम्पल चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल। अब थोड़ा कुछ कुछ जानवरों के भी फोटो देख लिए जाए, है ना। चीता हो गया, माउंटेन क्वेल, ये देखो माउंटेन क्वेल कैसा दिखता है, देखो इस तरह का कितना प्यारा है, है ना, आप लोगों की तरह बहुत प्यारा सा है। माउंटेन क्वेल हो गया। अब और कौन है, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट, अब इसको भी देख लिया जाए एक बार, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट, एक बार इसको भी देख लेते हैं ये कैसा दिखता है। ओहो ये तो कुछ कुछ मेरी तरह दिख रहा है, अरे नहीं यार मेरी तरह तो नहीं है, ये देखिए कुछ उल्लू की तरह है, ये कुछ इस तरह का दिखता है, ये भी खतरे में है भाई साहब। फिर आइए फिर देखा जाए और क्या क्या था, तो हम लोगों ने ये देखा। एंड प्लांट लाइक मधुका इंसिग्नियस, ए वाइल्ड वैरायटी ऑफ महुआ है ना, और हब बर्डिया हेप्टान न्यूरॉन, एक स्पीशीज है ग्रास की। इनफैक्ट ये सारे के सारे आपको खतरे के क्रिटिकल पोजिशन में है, समझ लीजिए इनको अगर बचाया नहीं गया तो ये ख़त्म हो जाएंगे। इनफैक्ट नो वन कैन से हाउ मेनी स्पीशीज मे हैव ऑलरेडी बिन लॉस्ट, कोई नहीं बता सकता कि कितनी स्पीशीज अब तक ख़त्म हो चुकी हैं, हमें इसका कोई डेटा नहीं है। टुडे वी ओनली टॉक ऑफ द लार्जर एंड मोर विजिबल एनिमल्स एंड प्लांट हैव बिकम एक्सटिंक्ट, बट वाट अबाउट स्मॉलर एनिमल लाइक एनिमल इंसेक्ट और प्लांट। हम लोग जो बड़े साइज में हैं या ज़्यादा तादाद में हैं, है ना, जो हमें दिख पाते हैं, हम लोग उन्हीं जानवरों या पेड़ों की बात करते हैं, लेकिन उनका क्या है जो इंसेक्ट हैं या छोटे छोटे एनिमल्स हैं या छोटे छोटे प्लांट हैं या जो जा चुके हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, उनके बारे में हम लोग कब जागरूक होंगे कि अब ये समय जा चुका है ना, उनको भी बचाना होगा, है ना। चलिए पहला पेज सारे लोगों का क्लियर है, फिर आते हैं सेकेंड पेज पर। ये आया सेकेंड पेज, तो थोड़ा सा इसको हम लोग इनलार्ज कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी रहे। हाँ, वैनिशिंग फॉरेस्ट, वैनिशिंग का मतलब ख़त्म होना। द डायमेंशंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया आर स्टैगरिंग, है ना। स्टैगरिंग का लिटरल मीनिंग देखिए क्या होता है, स्टैगरिंग मीनिंग, देखो स्टैगरिंग मीनिंग का है चक्कर, चौंका देने वाला, चौंका देने वाला है ना। तो जो डायमेंशन है डिफॉरेस्टेशन का इंडिया में वो स्टैगरिंग है, मतलब वो चौंका देने वाला है। जो भारत में जो जंगलों की कटाई हो रही है, डिफॉरेस्टेशन जंगलों की कटाई जिसका इमेज है, द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री एस्टिमेटेड एट 79.42 मिलियन हेक्टेयर। देखो एनसीईआरटी का डेटा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है भारत भर में जो कवर्ड एरिया है जंगलों से या ट्री से, तो वो माना जाता है कि 79.42 मिलियन हेक्टेयर है, विच इज़ 24.16% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। यानी भारत का टोटल जो ज्योग्राफी भूभाग है उसका मात्र 24.16% ही कवर्ड है, और उसमें भी डेंस यानी घने जंगल जो है वो 12.2% है। ओपन फॉरेस्ट जो हैं जो खुले हैं सभी के लिए 9.14% है। मैनग्रोव जो समुद्री किनारों में है जहाँ पर ज्वार भाटा आने पर वो पानी ऊपर उठता है फिर पानी पीछे चला जाता है, तो जड़ें इनकी ऊपर तक दिखती हैं,
है ना, तो वो मात्र 0.14% कम ही है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 का, द डेंस फॉरेस्ट कवर हैज़ इंक्रीज्ड बाई 3,775 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 2013। अगर हम स्टेट फॉरेस्ट की रिपोर्ट को माने तो हम लोग देखते हैं कि 2013 से लेकर 2015 तक में 3,775 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया है ना, वो डेंस हुआ है, यानी घना हुआ है, अच्छा बात है। However, this apparent increase in the forest cover is due to conservation measure. ये increase किया, ये dense हुआ इसीलिए क्योंकि conservation यानी बचाने के तरीकों को इस्तेमाल किया गया। कैसे manage किया गया? बाहरी interventions यानी बाहरी हस्तक्षेप को रोका गया, plantations को और बढ़ाया गया। प्लांटेशन क्या होता है? एक ही स्पीशीज के पौधे या पेड़ लार्ज एक्सटेंट में लगाए जाते हैं, जैसे कॉफ़ी है, रबड़ है, टी है ना, बाय डिफरेंट एजेंसी, अलग अलग एजेंसीज के द्वारा। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेशनल रिसोर्सेज, वी कैन क्लासीफाई एज फॉलो। अब हम लोग समझते हैं कि जितने भी आपके यहाँ जो खतरे की स्थिति में हैं, जो भी एनिमल या प्लांट खतरे की स्थिति में है, यानी अगर उन पर कितना हद तक ध्यान दिया जाए कि उनकी स्पीशीज़ को बचाया जा सके, है ना, तो इसके लिए IUCN एक लिस्ट जारी करता है, ये एक जारी करता है लिस्ट IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ध्यान रखना ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन नीट मेडिकल है ना, आपको उसमें तक भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो देखो ये हर को इसको कैटेगराइज किया गया है कि कौन कितना खतरे की स्थिति में है। तो ये नॉर्मल स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ हुज पॉपुलेशन आर लेवल आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, जो नॉर्मल है, साधारण, जिनको कोई बचाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना आराम से अपना लाइफ काट रहे हैं, उनकी संख्या घट नहीं रही है, नहीं बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है, वो बने हुए हैं। जैसे कैटल है हमारे यहाँ, जानवर जो गाय भैंसे हैं, साल है, पाइन है, रोडेंट्स है, एसेट्रा, चूहे वगैरह हैं, तो इनको नॉर्मल है, इनको कोई ख़तरा नहीं है, खतरा तो इनसे हम ही लोग को है, मजाक कर रहे हैं, ये नॉर्मल है। फिर आइए इनडेंजर्ड, यानी ये थोड़ा खतरे में है ना, डेंजर बोलते हैं ना, दीज आर स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी गायब यानी खत्म होने का इन पर खतरा है, खत्म हो जाने का खतरा है अगर ध्यान नहीं दिया गया तो। द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीशीज इज डिफिकल्ट इफ द नेगेटिव फैक्टर दैट हैव लेड टू अ डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट, अगर इनको एक्सटिंक्शन आ सकता है, ये गायब हो सकते हैं, ये खत्म हो सकते हैं, अगर नेगेटिव फैक्टर अगर लगातार बना रहा है ना, जो इनके पॉपुलेशन को कम करते जा रहा है, नेगेटिव फैक्टर अगर उसे हटाया नहीं गया तो। द एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल ऐसा है जैसे ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मकेक, संगाई, जो ब्रो एंटी डियर भी, एंटी डियर इन मणिपुर बोला जाता है, संगाई, संगाई फेस्टिवल भी है शायद। तो आप देखिएगा ये सारे आपको इंडेंजर्ड है, नाम याद रखना पड़ेगा जानवरों का, ठीक है। अच्छा अब आइए फिर इधर आते हैं, और क्या है भाई, वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है कि बड़ा पोजीशन गड़बड़ है, मतलब हालत पतली है इनकी। दीज आर स्पीशीज हुज पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइन, वल्नरेबल स्पीशीज में जो भी एनिमल या प्लांट आएंगे उनके पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन हो रहा है, और इतना लेवल तक ये डिक्लाइन हो रहा है कि ये जल्द ही इनडेंजर्ड कैटेगरी, अभी जो पीछे पढ़े ना आप, इनडेंजर्ड कैटेगरी में हो सकता है ये चले जाए, है ना। इन द नियर फ्यूचर इफ द नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यू टू ऑपरेट, अगर नेगेटिव फैक्टर यानी हो सकता है कि वनों को काटा जा रहा हो, या हो सकता है कि एक तरह के पेड़ों को बहुत ज़्यादा टारगेट करके काटा जा रहा है, फिर जानवरों को मारा जा रहा है, इलीगल पोचिंग किया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में ये जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं इनको अगर नहीं रोका गया तो ये वल्नरेबल स्पीशीज वाले चले जाएंगे इंडेंजर्ड वाले लिस्ट में, जो अभी आपने पीछे पढ़ा है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे ब्लू शीप है, एशियाटिक एलिफेंट है, गैंजेटिक डॉल्फिन है, कई लोग गैंजेटिक डॉल्फिन कभी नहीं देखे हैं, ये देख लीजिए मिट्टी के कलर की होती है, देखिएगा आपको। तो आगे देखते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं पहले, चलो। तो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के लॉस में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं वो भी बड़े जिम्मेदार हैं,
रिस्पॉन्सिबल हैं फॉरेस्ट के लॉस के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं, 1951 में ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट वॉज क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट। देख रहे हैं, सिर्फ रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए डैम्स बनाने के लिए 5000 स्क्वायर किलोमीटर के फॉरेस्ट को साफ कर दिया गया है। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट स्टिल कंटिन्यू विथ प्रोजेक्ट्स लाइक द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश विच वुड इन्यूडेट 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट। यानी अभी भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को काटा जा रहा है लगातार डैम्स को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में, जिसके लिए अभी फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, हालांकि अब तो पुराना डेटा अब तो बन चुका है, लेकिन उस समय के लिए कि जैसे कि साफ किया गया, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा है, जो कहीं ना कहीं इन्यूडेट करेगा, इन्यूडेट का मतलब 40,000 जो हेक्टेयर और फॉरेस्ट है वो कहीं ना कहीं उससे वो प्रभावित होगा। इन्यूडेट मीनिंग, देखो इन्यूडेट मीनिंग का मतलब है सैलाब, इन्यूडेशन, यानी उससे प्रभावित होगा उस पानी के प्रभाव से। देख रहे हैं, बाकी के 40,000 जो हेक्टेयर होगा। माइनिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन। माइन मिनरल्स को निकालने के चक्कर में, माइनिंग करने के चक्कर में भी डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटा जाता है। जैसे बक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल, इसकी वजह से आपको डोलोमाइट माइनिंग, बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर डोलोमाइट माइनिंग होता है, उससे वहाँ के जंगलों पर बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। इट हैज़ डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी स्पीशीज एंड ब्लॉक द माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल अदर्स। यानी इसकी वजह से हुआ क्या कि नेचुरल हैबिटेट जो जंगल हुआ करते थे, तो पेड़ पौधों पर जानवर रहा करते थे, या वहाँ पर प्लांट के अच्छी खासी स्पीशीज हुआ करती थी, हटा दिए गए। फिर माइग्रेशन, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जो जानवर आते जाते थे, वो माइन एक्टिविटी की वजह से मतलब वो डिस्टर्ब हुआ, है ना, जिसमें कि आपको एलिफेंट्स भी देखा जाता था, है ना। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा ये अब बहुत सारी चीज़ों को बड़ा सोच समझ के ही लेके चलना पड़ता है। चलिए फिर नेक्स्ट पेज आते हैं, मेनी फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट। देखिए थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, मेनी फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट होल्ड द व्यू दैट द ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर ग्रेजिंग एंड फूड वुड कलेक्शन। बहुत सारे वन्य जीव जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या पर्यावरणविद हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनका एक मानना ये भी है कि जो फॉरेस्ट का डिग्रेड, यानी उसके जो क्वालिटी है उसमें डिग्रेड करने का, या फॉरेस्ट के डिप्लेशन यानी कम होने का जो बड़ा जो कारण है, वो है जानवरों को चरने के लिए छोड़ देना, ग्रेजिंग, ठीक है ना, और साथ में फ्यूल वुड, लकड़ियों को चुनने के लिए जो पेड़ों को काटा जाता है ताकि घर में खाने के लिए, खाना बनाने में काम आता है फ्यूल वुड के तौर पर। दो देयर मे बी सम सब्सटेंस इन देयर आर्गूमेंट, येट द फैक्ट रिमेन्स दैट ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द फ्यूल फॉडर डिमांड इज मेट बाई लॉपिंग रेदर दैन बाई फेलिंग इंटायर ट्रीज। ये लेकिन तो भी ये माना जा सकता है कि चलो ठीक है, फ्यूल और फॉडर के लिए जो लोग अभी भी लगे हुए रहते हैं कि भाई हम अपने जानवरों को चरा लें, या मतलब लकड़ियां चुन करके ले जाएं, ये कहीं ना कहीं लॉपिंग है, मेट बाय लॉपिंग। लॉपिंग का मतलब देख लीजिए तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा आप लोग को। वर्ल्ड कंट्रीज, देखो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं, ये आपका इसको हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो होता है, जो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड यानी सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो कंट्री आपको डेमोक्रेटिक रूल अपनाते हैं, जिसमें अफ्रीका और एशिया के ज़्यादातर हैं, और जो फोर्थ वर्ल्ड कंट्री से अहेड होते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जिन्होंने डेमोक्रेसी अपनाई, है ना, डेवलपिंग कंट्री हैं, उन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ क्या हाल है कि 40 ओवर पॉपुलेशन जो है हमारे यहाँ, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इज़ ऑफन साइटेड एज द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ज़बरदस्त अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो होगा क्या, इससे आपको आप ही के रिसोर्सेज पर पूरा दबाव आएगा। हाउएवर एन एवरेज अमेरिकन कंज्यूम 40 times मोर रिसोर्सेज दैन एन एवरेज सोमालियन। अगर देखिए जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए अनइक्वल शेयरिंग,
एक अमेरिकन, एवरेज अमेरिकन 40 टाइम्स ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है एक एवरेज सोमालियन, सोमालिया का कोई नागरिक से, मतलब इतना ज़्यादा का डिफरेंस। सिमिलरली द रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी प्रोबेबली कॉज मोर इकोलॉजिकल डैमेज बिकॉज ऑफ द अमाउंट दे कंज्यूम। अगर हम इसी तरह देखें तो हमारे भारतीय समाज में शायद 5% लोग ऐसे लोग होंगे जिनकी वजह से ज़्यादातर इकोलॉजिकल डैमेज होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, मोर बिकॉज ऑफ द अमाउंट दे कंज्यूम, यानी जो कंज्यूम वो करते हैं उससे ज़्यादा द पुअरेस्ट 25%। इसको देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, तो ये जो 5% है ना, ये देखिए रिचेस्ट 5% है ना, वो 25% इस वाले पेज पे देखिए, जो गरीब 25% है हमारे यहाँ, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले, तो 25% जो गरीब हैं उनसे, उनके मुकाबले ये 5% बहुत ज़्यादा आपको पर्यावरण को, इंडियन जो आपका पर्यावरण है, इकोलॉजिकल जो डैमेज करते हैं, ये 5% हमारे भारतीय समाज में, समझ लीजिए इंडियन सोसाइटी का ये रिचेस्ट 5%, 25% जो गरीब हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं और ये ज़्यादा इकोलॉजिकल डैमेज भी करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पेज पे आते हैं। द फार्मर शेयर मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी, द फार्मर शेयर्स मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग। द क्वेश्चन हु इज़ कंज्यूमिंग व्हाट फॉर फ्रॉम वेयर एंड हाउ मच, है ना ये भाई, इसको द फार्मर शेयर्स मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग, तो ये देखना चाहिए, ये जो शेयर है 25% बेचारे गरीब जो कि उतना रिसोर्स नहीं मिलता है और ये 5% जो सारे रिसोर्सेज पे कब्जा मार के बैठे हैं, इसको कहीं ना कहीं सही तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, इनको सही करना होगा। इन पहले तो एक्सेस सभी को देना होगा इक्वालिटी के आधार पर, फिर उसके बाद कैसे हम सस्टेनेबल आपको डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये जो कंज्यूमिंग का पैटर्न है ना, जो रिसोर्सेज का, वो कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कितना हो रहा है और कब तक होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो डू यू नो ये वाला पार्ट आप देखेंगे, हम लोग आगे चलते हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज़ नॉट जस्ट ए बायोलॉजिकल इशू, जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल इशू मात्र नहीं है कि हाँ पर्यावरण है भाई, जैव है, तो बायोलॉजिकल इशू नहीं है कि बस एक ख़त्म हो रहा है कोई पौधा या जानवर ख़त्म हो रहा है ना, वो द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी ये जो लॉस हो रहा है, बायोलॉजिकल लॉस जो हो रहा है जिसमें प्लांट या एनिमल कोई एक्सटिंक्ट हो रहा है या कम होते जा रहा है, इसकी वजह से ये एक कल्चरल लॉस भी, आपको कल्चरल डाइवर्सिटी का भी लॉस है, यानी हमारे जो एक कल्चर है उसमें जो विविधता है उससे जुड़े हुए इन जो प्लांट है, एनिमल है, उसके ख़त्म होने से भी हमारा भी कल्चरल डाइवर्सिटी का लॉस है, ठीक है ना। सच लॉसेस हैव इंक्रीसिंगली मार्जिनलाइज्ड एंड इम्पोवरिस्ड मेनी इंडिजिनस एंड अदर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़। आप इस तरह के जो लॉसेस हैं वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा हमें बढ़ा हुआ दिखता है। मार्जिनलाइज्ड यानी मार्जिनलाइज्ड का मतलब, इसको देख लीजिए एग्जैक्ट, हाँ लाइज्ड, हाँ मार्जिनलाइज्ड का मतलब देखिए, हाशिए पर, यानी और मुश्किल में आना, है ना, मुश्किल हो जाना। तो ये कहीं ना कहीं जो ये आपको देख रहे हैं, सच लॉसेस हैव इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड, यानी और ज़्यादा ये हाशिए पर आका है, और ज़्यादा ये खतरनाक हो गया है, जिस तरह से हमारे यहाँ है ना रिसोर्सेज का या फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। एंड इम्पॉवरिस्ड मेनी इंडिजिनस, इम्पॉवरिस्ड का मतलब आप देखिए, इम्पॉवरिस्ड है, इसका लिटरल मीनिंग समझ लीजिए, इम्पॉवरिस्ड यानी गरीब, देख रहे हैं गरीब, तो इसका मतलब हो गया कि जो आपको एंड इम्पॉवरिस्ड मेनी इंडिजिनस, यानी बहुत से लोग गरीब हो गए, और अदर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी जो समुदाय हैं जो डायरेक्टली डिपेंड थे वेरियस कंपोनेंट, यानी फॉरेस्ट के कई अन्य चीज़ों पर, कई चीज़ों पर जो कई
फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं जो जंगलों में रहती हैं, ट्राइबल्स वगैरह, है ना, या वाइल्ड लाइफ पर निर्भर करती हैं फूड के लिए, ड्रिंक के लिए, मेडिसिन, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, धार्मिक आधार, आस्था भी है, है ना। तो ये अभी निर्भरता है उनमें भी कहीं ना कहीं अब मुश्किल आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब फॉरेस्ट जितना कम होते जाएगा, वाइल्ड लाइफ जितना कम होते जाएगा, ये जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ होंगे उनके लिए मुश्किल उतनी बढ़ते जाएगी। विद इन द पुअर यानी गरीबी में भी, है ना, गरीबों में भी वुमेन आर अफेक्टेड मोर देन मैन, ज़्यादातर महिलाएं ही अफेक्टेड हैं पुरुषों के मुकाबले। कई सोसाइटीज़ ऐसे हैं जहां वुमेन बियर करती है मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज़ को कलेक्ट करने के लिए, किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे फ्यूल कलेक्ट करने के लिए, है ना, जैसे लकड़ी जलाने के लिए जिस पर खाना बनाना है, फॉडर चारा है अपने जानवरों के लिए, पानी के लिए, या जो जरूरत अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे नीड है, वो उस नीड के लिए महिलाओं के ऊपर निर्भरता ज़्यादा है कि वो चुनने जाएंगी, वो पानी लेके आएंगी, वो, है ना। एज दिस रिसोर्सेज आर डिप्लेट, जैसे जैसे ये रिसोर्सेज कम हो रहा है, द ड्रजरी ऑफ वुमेन इंक्रीजेस। तो ड्रजरी का मतलब इसको एक बार देख लीजिए, ड्रजरी का मतलब क्या होता है, देखो, कठिन परिश्रम। ड्रजरी का मतलब कठिन परिश्रम। तो जो महिलाओं का कठिन परिश्रम और बढ़ गया है, है ना, समटाइम्स दे हैव टू वॉक फॉर मोर देन 10 किलोमीटर टू कलेक्ट देयर रिसोर्सेज। कई बार तो देखा जाता है 10-10 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं पानी लेने के लिए, सूख गया क्या कीजिएगा, या अगर जंगलों में है तो कई रिसोर्सेज बहुत दूर दूर, है ना, क्योंकि कम होते जा रहा है। दिस कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम फॉर वुमेन, और इसे 10-10 किलोमीटर मतलब उतना लंबा लंबा जाना आना, है ना, और रोज़ तो इससे क्या है, महिलाओं का स्वास्थ्य के साथ समस्या आ रहा है, घरों में लापरवाही हो रहा है, नेग्लिजेंस ऑफ होम यानी घर छूट जा रहे हैं, देख रेख नहीं हो पाती हैं, घर और बच्चे दोनों लापरवाही के शिकार हो जा रहे हैं, है ना, क्योंकि इनके जो काम के घंटे बढ़ते जा रहे हैं, मेहनत ज़्यादा लग रहा है, विच ऑफन हैज सीरियस सोशल इम्प्लिकेशन, जिसके वजह से सामाजिक तौर पर भी बहुत तरह का कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बहुत तरह का प्रभाव है जो महिलाओं पर और परिवार पर झेलना पड़ता है। द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज सीवियर ड्रॉट, अगर हम इनडायरेक्ट इम्पैक्ट देखें जो फॉरेस्ट के डिग्रेडेशन पर, डिग्रेडेशन की वजह से फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन यानी उसके क्वालिटी पर गिरावट आने से, या उसके मूल रचना में परिवर्तन, किसी तरह का जो नेगेटिव परिवर्तन अगर होता है, तो उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है हम लोग पर, सीवियर ड्रॉट यानी लगातार सूखा पड़ेगा, है ना, फॉरेस्ट कट गया है तो भाई अब सूखा ही ना पड़ेगा, है ना, या डिफॉरेस्टेशन इंक्लूडेड फ्लड, यानी अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर दिए तो अब जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो भी पानी आएगा शीट इरोजन करेगा, यानी पूरा बाढ़ आ जाएगा। ऑल्सो हिट्स द पुअर द हार्डेस्ट, यानी इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो गरीब है वो बहुत बुरी तरीके से उसको चोट पहुँचेगी, क्योंकि जंगल पे हमारा डिपेंडेंसी है बेटा। पॉवर्टी इन दीज केसेस इज ए डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, यानी हम देखते हैं कि गरीबी जो इन केसेस में हम देखते हैं कि गरीबी ये सीधा आउटकम है, सीधा रिजल्ट है किसका, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का। अगर पर्यावरण को, वातावरण को, पर्यावरण को नुकसान करिएगा तो इसके वजह से उस पर जो डिपेंड कम्युनिटीज़ होंगी वो सीधा तौर पर गरीब होंगी। देयरफॉर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ आर वाइटल टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंट इन द, इसीलिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ बहुत ज़रूरी है जीवन के स्तर को, अच्छे गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, एंड एनवायरमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी सब कॉन्टिनेंट में एनवायरमेंट को भी सही रखने में आपको मदद मिलता है, है ना। अगर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सही रहा तो आपका सब कॉन्टिनेंट में भी अच्छा वातावरण रहेगा। इट इज़ इम्पेरेटिव टू अडेप्ट टू साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, इसीलिए ज़रूरी है कि हम ऐसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए एक ऐसे पॉलिसी को अपनाएं जिससे कि स्ट्रेटजी को अपनाएं जिससे कि हम इनको बचा सकें। चलो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया देखते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षित करना, सुरक्षित करना, है ना। कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज़ बिकम एसेंशियल। जो आपका वाइल्ड लाइफ का पॉपुलेशन है या प्लानर फॉरेस्ट्री को जो चौपट किया जा रहा है उसके लिए बचाने के लिए जो स्ट्रैटेजी अपनाया जाए या कंजर्वेशन पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी हो गया, एसेंशियल हो गया है।
बट वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, लेकिन क्यों हम अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्व करें? कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम. हम लोग कंजर्वेशन करेंगे तो हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमें बचाएगी, हमें सपोर्ट सिस्टम देगी, हमारे जीवन को बचाए रखने के लिए हर सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराएगी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना? जैसे वाटर है, एयर है, सॉइल है, ये हमें इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में ही पाया जाता है, है ना? कंजर्वेशन, अगर हम किसी चीज़ को संरक्षित करते हैं तो उसकी वजह से इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमारा बच जाएगा और वो हमारे सपोर्ट सिस्टम को, हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराएगा इन फॉर्म ऑफ वाटर है, एयर है या सॉइल है. इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग. अगर हम कंजर्वेशन करते हैं तो उससे भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी को, विविधता. जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी किन का, प्लांट का और एनिमल का, जिससे कि वो अपने में और अच्छे ग्रोथ कर सके, अपने स्पीशीज़ को और ब्रीड यानी मल्टीप्लाई हो सके, है ना? तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो जीन्स एक के बाद एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है ना, तो उसे भी हमें बचाने की आवश्यकता है. आगे देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज़, है ना? अभी भी जैसे हम लोग एग्रीकल्चर में देखते हैं कि अभी भी हम लोग पारंपरिक तौर पे जो खाद्यान्न है, ट्रेडिशनल क्रॉप हैं, उनके वैरायटी पर ही अभी भी हमारी निर्भरता है. जैसे मत्स्य पालन है, फिशरीज, टू आर हेविली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, यानी मछलियाँ भी वो टोटली डिपेंडेंट है आपको किस बात पर, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी पर, यानी पानी के नीचे जो एक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है उस पर हमारे यहाँ की फिशरीज भी आपको निर्भर करती है कि किस तरह का मिलेगा. इन द 1960s एंड 1970s कंजर्वेशनिस्ट यानी जो संरक्षणवादी हैं, उन्होंने डिमांड किया कि एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम लाया जाए, वन्य जीव अधिनियम के तहत अधिनियम एक ऐसा लाया जाए, कार्यक्रम लाया जाए, फिर बाद में अधिनियम लाया जाए. तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, वन्य जीव अधिनियम लगाया गया, जो 1972 से इसे लागू किया गया. याद रखिएगा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 से इम्प्लीमेंट हुआ है. इसका वेरियस प्रोविजन है जिसकी वजह से प्रोटेक्ट किया जाएगा अब हैबिटेट, यानी जो जिसका जहां पे जगह है, घर है, उसे बचाने के लिए व्यवस्था किया जाएगा इस एक्ट, इस कानून के तहत, है ना? एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड. अच्छा, जो इसके तहत ऑल इंडिया लिस्ट जारी किया गया जिसमें कि प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ हैं उसको पब्लिश किया गया. ध्यान रखना, प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ जो हैं उनको पब्लिश किया गया, है ना, ऑल इंडिया लिस्ट में. द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीशीज बाई बैनिंग हंटिंग. यानी इस प्रोग्राम का जो थ्रस्ट है, जो कोर पार्ट ये था कि हमें टारगेट करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है जो बचा हुआ जो संख्या है आपका किसी भी एनिमल या प्लांट का, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, है ना, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ गए हैं, यानी जो जिनके लिए खतरा उत्पन्न हो गया, जो फॉरेस्ट्री हो सकता है, वाइल्ड लाइफ हो सकता है, तो उसे हमें बचाना है. किस तरह से बचाएंगे? बैन करेंगे हंटिंग को, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट, यानी जो भी उनके घर हैं जानवरों के या पेड़ों के हैं, तो उनके उस स्थान को हमको लीगल हैबिटेट का एक दर्जा देना होगा, कानूनी तौर पे ये एरिया इन्हीं के लिए है, है ना, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन देना होगा इनको. फिर एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, यानी वन्य जीव में कोई भी ट्रेड इलीगल ना होने पाए, जैसे शेर के दांत है, किसी के नाखून है, वो सब नहीं करना है. देखिएगा एलिफेंट टस्क का व्यापार होता है, हाथी दांत का, तो ये गलत है, ठीक है. सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मिनी स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीज. तो नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर आपने देखा होगा कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, राष्ट्रीय उद्यान और साथ में वन्य जीव अभयारण्य, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको बनाए गए हैं और इसके बारे में हम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है.
सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कई प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसके कि टारगेटेड एनिमल्स को हमको सेव करना है, उसको एक्सटिंक्ट नहीं होने देना है ना, विच वेयर ग्रेवली थ्रेटन, जो बहुत मुश्किल स्थिति में पड़ गए हैं, जैसे कि टाइगर हैं, वन हॉर्न राइनोसोरस हैं, कश्मीरी स्टैग हैं, या इसे हैंगुल भी बोला जाता है, या तीन तरह के क्रोकोडाइल हैं, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल है ना, फिर इसके बाद एशियाटिक लाइन है, कुछ और भी जानवर हैं जिनकी सुरक्षा करना जिम्मेदारी है और उनके नाम पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी चलाती है बचाने के लिए। मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट ब्लैक बक जिसे चिंकारा कहते हैं, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे गोंडवान कहते हैं, एंड द स्नो लेपर्ड, इसे भी क्या किया जाएगा, इसे भी आपको बचाने के लिए प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, लिस्ट में शामिल किया गया है, एक्सेट्रा हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया। इसे भी आपको पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है कि इनको मारा नहीं जा सकता है और इनका हंटिंग नहीं किया जा सकता है, या भारत में कहीं भी इसे मार करके बेचा नहीं जा सकता इन जानवरों को। प्रोजेक्ट टाइगर देखें, इंदिरा का टाइम है, इंदिरा गांधी का टाइम है, आपको फौना में आपको टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 1973 में अथॉरिटीज रियलाइज की कि टाइगर पॉपुलेशन जो है, देखिए टाइगर पॉपुलेशन है ड्विंडल, यानी आपको टाइगर जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं मुश्किल में आ जा रहा है। 1827 फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 55,000 एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, यानी 1827 ही बचे जहाँ पर आपको सेंचुरी जब यानी जब आपका सदी चेंज हो रहा था तब ये 55,000 था। द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस सच एज पोचिंग फॉर ट्रेड, इतने टाइगर गए कहाँ, 1827 कैसे बचे, अब ध्यान दीजिएगा, इसका सबसे बड़ा थ्रेट जो है टाइगर पॉपुलेशन के लिए वो है ट्रेड, यानी व्यवसाय के चक्कर में है ना जो मारा जा रहा है इनको, जैसे द न्यूमरस पोचिंग फॉर ट्रेड, यानी इल्लीगली मारा जा रहा है शेरों को ताकि उनका व्यापार हो रहा है, उनके हैबिटेट श्रिंक कर रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं, डिप्लेशन ऑफ प्रे बेसिक स्पीशीज़, यानी जो आपका इसको देख लीजिए एक बार, डिप्लेशन यानी कम होते जा, तो जो जानवर हैं जो शिकार होने लायक है वो कम होते जा रहे हैं है ना, डिप्लेशन हो रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन, देख रहे हैं जानवरों के जो चमड़े हैं और उनका जो बोन्स का इस्तेमाल होता है ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में ज़्यादातर एशियन कंट्रीज़ में, उससे टाइगर पॉपुलेशन जो आ गए हैं वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी ख़त्म होने के कगार पर आ गए हैं। सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन, इंडिया और नेपाल प्रोवाइड करता है 2/3 हैबिटेट जो अभी सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, यानी 2/3 इंडिया नेपाल में ही मिलते हैं ये टाइगर्स है ना। प्राइम टारगेट है ये पोचिंग और इलीगल ट्रेडिंग का भी नेपाल और इंडिया में, जो गलत तरीके से इनका शिकार करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को आपको बहुत अच्छे से पब्लिसाइज किया गया, तो जिसकी वजह से कि वाइल्ड लाइफ कैंपेन चलाया जा रहा है इन द वर्ल्ड, वॉज लॉन्च इन 1973, तो 1973 में आपको कैंपेन लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, जैसे कि टाइगर को बचाना था। टाइगर कंजर्वेशन हैव बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव एन इंडेंजर्ड स्पीशीज बट विथ इक्वल इंपॉर्टेंस एज ए मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप ऑफ साइजेबल मैग्नीट्यूड। कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन असम, पेरियार और ऐसे ही करके। तो देखो टाइगर कंजर्वेशन ये हैज़ बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव एन इंडेंजर्ड स्पीशीज, तो टाइगर कंजर्वेशन सिर्फ मात्र इतना तक दृष्टिकोण में नहीं है कि बस हमको एक इंडेंजर्ड यानी खतरे में आ चुकी प्रजाति को बचाना है, बस इतने भर का नहीं है, बट विथ इक्वल इंपॉर्टेंस एज ए मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप ऑफ साइजनेबल मैग्नीट्यूड, यानी उसका जो एक पोजीशन है शेर का, टाइगर का जो एक पोजीशन है इस पूरे कॉम्प्लेक्स वेब में, उसे भी हमको बचाना जरूरी है, क्योंकि देखिए एक भी धागा टूटा तो सब
ख़त्म होंगे। जैसे क्या होता है, बोला जाता है कि बीज है, तो पता चला अमेरिका में एग्रीकल्चर जब करते थे लोग तो उस समय बीज जो आती थी वहाँ पे पॉलिनेशन होता है ना, घूमती हैं तो उससे आपको फलियाँ निकलती हैं। तो हुआ क्या कि अमेरिका में खूब इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड सब छिड़के और उस समय जो पॉलिन होना चाहिए था, आपको बीज आना चाहिए था, वो बीज नहीं आई, उसके वजह से पौधों में फलियाँ ही नहीं निकली, क्योंकि सबको तो मार दिया अमेरिका ने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल के। तो यही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो आपको टाइगर है वो हमारे यहाँ एक प्रिजर्विंग बायोटाइप है ऑफ साइजेबल मैग्नीट्यूड, उसका पोजीशन जो वेब में है उसके बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोगों ने देखा कॉर्बेट नेशनल पार्क में बनाया, आपको नेशनल पार्क बनाया उत्तराखंड में, सुंदरबन नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क एमपी, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर रिजर्व भी है, फिर मानस टाइगर रिजर्व है, देख रहे हैं। तो टाइगर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट के तहत इतने नेशनल पार्क या पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ में कोशिश किया गया टाइगर्स की संख्या को कंजर्व करने का। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रादर देन ए फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है, संरक्षण करने के लिए जो प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, वो सिर्फ बायोडाइवर्सिटी पर फोकस नहीं कर रहा कि बहुत विविधता है तो चलो इसी को बचाया जाए, नहीं, वो पहले इसमें जो एक एक हिस्सा है उसको बचाने के लिए लग गए हैं। जैसे टाइगर हिस्सा है तो टाइगर को बचाओ, नहीं तो टाइगर कम संख्या में होंगे तो फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, है ना। ऐसा एक एक करके जो उसके कंपोनेंट है, जो उसके हिस्से हैं, देयर इज़ नाउ ए मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर। इसीलिए अब बहुत ज़्यादा गहनता के साथ ये अब तय किया जा रहा है कि कैसे नेचर को या फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाए, वो कौन कौन से मेज़र जिसका इस्तेमाल करके हम फॉरेस्ट्री को या वाइल्ड लाइफ को या फ्लोरा फौना किंगडम बोलिए उसको बचा सकते हैं। इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट्स आर बिगनिंग टू फाइंड ए प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग, यानी इंसेक्ट्स को भी कंजर्वेशन प्लानिंग में शामिल किया गया है। अभी मैंने बीज के बारे में बात किया है ना, इन द नोटिफिकेशन एंड द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाई मॉथ पेटल्स एंड वन ड्रैगन फ्लाई हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज। 1980 के और 1986 के वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत बहुत सारे सेवरल हंड्रेड यानी कई सैकड़ों बटरफ्लाई मॉथ बेटल वन ड्रैगन हाउस फ्लाई को पहली बार हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज। तो प्रोटेक्टेड स्पीशीज के दायरे में इन सारे को भी है ना, जो इंसेक्ट रूप है इनको भी ऐड किया गया, ध्यान रखिएगा। 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट वेयर ऑल्सो एडेड टू द लिस्ट, पहली बार प्लांट्स को शामिल किया गया 1991 में, है ना, कि उनको भी ऐड किया गया लिस्ट में, है ना। स्टार्टिंग विथ सिक्स स्पीशीज से पहले शुरू किया गया था प्लांट के, फिर धीरे धीरे और आते गए। चलो टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, है ना। तो फॉरेस्ट का किस तरह का प्रकार होता है और उसका विस्तार कैसा है ना, फैलाव कैसा है, और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्या है, देखते हैं। इवन इफ यू वांट टू कंजर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इट इज रैदर डिफिकल्ट टू मैनेज कंट्रोल एंड रेगुलेट देम। अगर हमें अगर हम चाहते हैं कि हमारे जितने वास्ट यानी जितने बड़े फॉरेस्ट हैं और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज उनको कंजर्व करना, तो उसे हम इसी तरह मैनेज या कंट्रोल या रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर ईदर ओन्ड और मैनेज बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। यानी हमारे यहाँ जितने भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं वो या तो मैनेज या तो ओन्ड है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ओन किया जाता है यानी उन्हीं का है, या उनके द्वारा मैनेज किया जाता है जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट है आपका भारत में, है ना। और उनको दो तीन हिस्से में आपको क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, मतलब उसको ये क्लासिफाई कर दिया गया है, है ना। चलो सबसे पहले देख लो रिजर्व फॉरेस्ट, ये मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर रिजर्व फॉरेस्ट। यानी जितने भी आपको फॉरेस्ट लैंड के तौर पर डिक्लेयर किया गया है ना, फॉरेस्ट लैंड है उसमें से आधा आपको डिक्लेयर किया गया है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार
एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। रिजर्व फॉरेस्ट को बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अगर हम पूरे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन की बात करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका रिजर्व फॉरेस्ट माना गया है ना। ये बहुत ज़्यादा आपको रिसोर्सेज इसमें भरे रहते हैं। प्रोटेक्टेड जो संरक्षित हैं, प्रोटेक्ट किए गए हैं, उसके लिए क्या है रिजर्व, तो ये रहा। ऑलमोस्ट 1/3 यानी फॉरेस्ट एरिया का 1/3 जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के कैटेगरी में डाला गया है। एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ही डिक्लेरेशन है कि फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ही इतना परसेंट होगा। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन, यानी अब डिप्लेशन का मतलब घटना है, यानी इस फॉरेस्ट लैंड को बचाया जा रहा है ताकि और घटना और कम ना होता जाए, ठीक है। अब आइए तीसरा जो कैटेगरी है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड्स बिलोंगिंग टू द बोथ गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। तो देखो इसमें स्वामित्व किसका किसका, ओनरशिप। ये कुछ और ऐसे फॉरेस्ट हैं जो बचे हैं या कुछ ऐसे वेस्ट लैंड जो छोड़ दिया गए हैं जो हो सकता है कि गवर्नमेंट का भी हो और उसमें प्राइवेट इंडिविजुअल का भी हो, या वहाँ के समुदाय जो रहने वाली समुदाय का हो। तो ये थोड़ा सा जॉइंट वाला हिसाब है, अनक्लास्ड। इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, एक पेपर का कटिंग है, घड़ियाल ऑन द ब्रिंक, उनके पॉपुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। उसको आपका होमवर्क है, उसको आपको देखना है। चलिए आगे। रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड अदर एंड फॉर द प्रोटेक्टिव रीजन। जब रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है ना, रिजर्व फॉरेस्ट अभी जो थोड़ा देर पहले और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो हैं आर रेफर्ड टू एज द परमानेंट फॉरेस्ट, यानी इन्हें परमानेंट फॉरेस्ट बोला जाता है। रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को परमानेंट फॉरेस्ट भी कहा जाता है ना। स्टेट्स मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर, जिससे कि आपको कि हम टिम्बर की जरूरतें यानी लकड़ियाँ है ना, बड़े बड़े देखिएगा आपको तना साफ करके रखा जाता है, तो इससे हम टिम्बर प्राप्त कर सकते हैं, या कोई अदर फॉरेस्ट से प्रोड्यूस जो प्राप्त करना है वो हम ले सकते हैं, है ना, और अपने सुरक्षा कारणों के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव रीजन एंड फॉर द प्रोटेक्टिव रीजन्स, मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा अपना हिस्से को फॉरेस्ट के अंदर रखा हुआ है अभी भी, ज़्यादा मध्य प्रदेश का ज़्यादातर रीजन में फॉरेस्ट आपको दिखेगा, है ना। कंस्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया, यानी पूरे राज्य का 75% देखोगे तो फॉरेस्ट एरिया कवर्ड है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, यहाँ पर लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट आपको ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया, यानी यहाँ पर आप ज़्यादातर देखोगे रिजर्व फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट है इतने राज्यों में, है ना। टोटल फॉरेस्ट में इतना ज़्यादातर इनका रिजर्व फॉरेस्ट का आप कॉन्सेप्ट देखोगे इतने राज्य में, ठीक। दूसरी तरफ बिहार है, हरियाणा है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान हैव ए बल्क ऑफ इट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आप देखोगे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट इतने राज्यों में है। प्रोटेक्टेड हैव ए हाई परसेंटेज, ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट आर अनक्लास्ड। अच्छा, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अब देखो तीसरा कैटेगरी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं या पार्ट गुजरात के पार्ट हैं, यहाँ पे हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट आर अनक्लास्ड फॉरेस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट और गुजरात के कुछ हिस्सों में अनक्लास्ड फॉरेस्ट पाए जाते हैं, है ना, जो लोकल कम्युनिटीज़ वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा ये की जाती हैं, उसको चलाए जाते हैं, सेव किया जाता है। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, जो समुदाय हैं और उन और सुरक्षित करने का तरीका। कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री। कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी जो है बचाने के लिए जो प्लानिंग करना है ना वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट्री को, वो नया नहीं है। वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटी। हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि जंगल आज भी कबीलों का, कई कबीलों का घर है ना। ट्रेडिशनल कम्युनिटी, यहाँ पारंपरिक तौर पर समुदाय रहते हैं जिन्हें कबीले बोलते हैं। इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज़ आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल।
कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर लोकल कम्युनिटी, जो स्थानीय जो ट्राइब हैं वो, या स्थानीय जो लोग हैं जो जंगलों के आसपास रहते हैं, तो वो संघर्ष कर रहे हैं जिससे कि कंजर्व किया जा सके फॉरेस्ट को, है ना, हैबिटेट को कंजर्व किया जा सके। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ही हो ताकि जंगलों को बचाया जा सके, है ना। रिकॉग्नाइज दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड, है ना। रिकॉग्नाइज किया कि अगर हम लोग बचा ले जाते हैं, अगर कंजर्व कर ले जाते हैं, तो इससे लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड रह सकता है, यानी लंबे समय तक जीविका को हम सुरक्षित रख पाएंगे। फिर से देखो, इन सब एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दिस हैबिटेट अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ लोकल कम्युनिटी स्ट्रगल कर रही हैं ताकि कंजर्व किया जा सके। रिकॉग्नाइजिंग दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड, इसकी वजह से शायद ये मान्यता एक है कि अगर हम बचा ले जाएंगे तो उन्हीं का जीवन जिस पर टिका हुआ है वो लंबा खींच सकता है, है ना। फॉरेस्ट नहीं होगा तो फ्यूल, फूड ये कैसे चुनेंगे, फॉडर कैसे चुनेंगे, है ना। जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंसी है वो कैसे, मतलब फिर लाइवलीहुड चलेगा अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहा। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में पड़ता है। विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाई साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, वहाँ पे गांव वाले जो हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए माइनिंग को, जो माइनिंग होती थी उसे, उसका विरोध किया। इन मेनी एरियाज विलेजर्स देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट, कई जगह पे तो गांव वाले बेचारे खुद जो जानवरों के घर हैं, हैबिटेट हैं, उसे बचाने में जुड़ जाते हैं। एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, और गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट पर विरोध जताना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त हो। द इनहेबिटेंट ऑफ 5 विलेजेस इन द अलवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज देयर भैरोदेव डाकाओ सेंचुरी, है ना, डिक्लेयरिंग देयरिंग ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच डू नॉट अलाउ हंटिंग एंड आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड इंक्रोचमेंट। यानी जो राजस्थान के अलवा डिस्ट्रिक्ट के 5 गाँव ने डिक्लेयर कर दिया कि 1200 जो हेक्टेयर फॉरेस्ट का है वो भैरोदेव डाकाओ सेंचुरी के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया, जहाँ पे इनके अपने रूल्स और रेगुलेशन चलेंगे और यहाँ पर हंटिंग सख्त मना होगा और प्रोटेक्ट किया जाएगा वाइल्ड लाइफ को, ताकि बाहरी किसी इंक्रोचमेंट से, यानी बाहर के लोग आके यहाँ पर बैठ ना जाए, है ना। बढ़िया, नेक्स्ट आते हैं, चलिए थोड़ा बड़ा करते हैं। तो देखो, सेक्रेट ग्रुप्स ए वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीशीज, है ना, सेक्रेट है तो काफ़ी पवित्र होगा, डिवाइन होगा। नेचर वर्शिप इज़ एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द प्रेमाइज दैट ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड, है ना। नेचर वर्शिप हमारे यहाँ तो नेचर का ही वर्शिप होता है, किसी भी देवता को देखिए तो किसी न किसी बारिश के, जल के, वायु के, वन के, धरती, तो ये नेचर का वर्शिप है, सूर्य है, तो नेचर का वर्शिप हमारे यहाँ पुरानी परंपरा रही है। और ऐसे देखा जाए तो आदिम समाज में भी, आदिवासी समाज में भी नेचर का वर्शिप होता रहा है, है ना। और साथ में बेस्ड ऑन द प्रेमाइज दैट ऑल क्रिएशन ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड, यानी नेचर के द्वारा जिन भी चीज़ों को बनाया गया है उन सबको भी प्रोटेक्शन होना चाहिए, आप सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, ऐसा देव कल्पना, ऐसा विश्वास है। सच बिलीव है प्रिजर्व सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन प्रिस्टीन फॉर कॉल्ड सेक्रेट ग्रोव्स दीज फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस, यानी इस तरह के जो वर्जिन फॉरेस्ट है जिसको बचाया जा सका है, है ना, इन्हीं कहा जाता है सेक्रेट ग्रोव्स कहा जाता है। वर्जिन फॉरेस्ट का मतलब कोई एग्जॉटिक स्पीशीज़ वाले प्लांट या एनिमल आकर के नहीं रह रहे हैं, ना लगे हैं वहाँ, सिर्फ एक तरह के वही के लोकल जो पेड़ पौधे हैं या जानवर हैं पाए जाते हैं, तो वो एक पवित्र कहा जाता है उसको। इस ग्रोव्स का मीनिंग देख लीजिए, एक बार ग्रोव्स का मीनिंग देख लीजिए, आपको समझ आएगा थोड़ा बेहतर। कुंज, अब इसको इस तरह देख लेते हैं, ग्रोव है तो इन इंग्लिश,
हाँ इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझ आएगा। स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज स्पेशली ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप, अच्छा ग्रुप ऑफ ट्रीज ही हैं तो ये आपको सेक्रेट ग्रोव यानी पवित्र वन कहा जाता है ना, जिसमें कि कई देवी देवता हैं रहते हैं जंगलों के। दीज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट और पार्ट ऑफ लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड बाय द लोकल पीपल एंड एनी इंटरफेरेंस विद देम इज बैंड। और लोग मानते हैं, जो वहाँ के लोकल बिलीफ हैं वो मानते हैं कि यहाँ पर कोई भी कटाई छटाई या कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वनों में भी देवी देवता निवास करते हैं, है ना, तो इसे अनटच्ड होना चाहिए, कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। कटाई छटाई तो बहुत दूर की बात है कि वन देव वन देवी नाराज हो जाएंगी। सर्टेन सोसाइटी रिवर ए पर्टिकुलर ट्री विच दे हैव प्रिजर्व फ्रॉम टाइम इमोरियल। द मुंडास एंड द संथाल ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप महुआ बासिया लैटिफोलिया एंड कदम्ब, इसका साइंटिफिक नेम है ट्रीज, एंड ट्राइब ऑफ उड़ीसा। हाँ जैसे देखो, कई ऐसे हमारे यहाँ पे सोसाइटीज़ रही, समाज रही हैं जो पर्टिकुलर ट्री को बहुत मानती, प्रिजर्व करती हैं, और इमोरियल यानी इमोरियल का मतलब होता है बड़े लंबे समय से, है ना, मतलब शुरुआत से ही वो उस पेड़ को बहुत ही धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत मानता है, जैसे मुंडा है और संथाल है छोटा नागपुर रीजन झारखंड उड़ीसा वगैरह क्षेत्र में, जो वर्शिप करते हैं महुआ का, कदम्ब के पेड़ का और कदम्ब के पेड़ का भी। फिर उड़ीसा के जो भी आदिवासी हैं, है ना, और बिहार के, वो वर्शिप करते हैं टैमरिंड, है ना, मैंगो के पेड़ का बड़ा पूजा करते हैं लोग, अब ना सिर्फ आदिवासी बल्कि आम लोग भी, क्योंकि आम का पल्लों का इस्तेमाल होता है ना, और वेडिंग्स में भी आप देखिएगा आम का पल्लों का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे ट्राइब भी हैं तो साथ में सामान्य लोग भी हैं। फिर उसके बाद देखिए, टू मेनी ऑफ अस पीपल एंड बनियन ट्री आर कंसिडर्ड सेक्रेट। हमारे लिए पीपल और बनियन ट्री, देखिए बरगद है पीपल है, वो भी हमारे लिए बहुत पवित्र माना जाता है। देखो इस तरह का हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना कि उसमें भी भगवान है, तो हम उनको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं, तो उससे भी ये कहीं ना कहीं नेचर बसता है, फॉरेस्ट्री बच जाती है। इंडियन सोसाइटी कंप्राइज सेवरल कल्चर्स ईच विथ इट्स ओन सेट ऑफ ट्रेडिशन मेथड ऑफ कंजर्विंग नेचर एंड इट्स क्रिएशंस। यानी भारतीय समाज में बहुत सारे कल्चर्स का इस तरह से मिला जुला हुआ है ना, मान्यता मिला जुला हुआ है कि हर किसी का जैसे नेचर को बचाने का और उसके क्रिएशन का, मतलब कि कैसे बना और कैसे बना रहे और कैसे और बचाया जा सकता है, तो उसका तरीका सबका अपना अपना अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। जैसे जैन मुनि लोग मुंह पर सफ़ेद रंग की एक पट्टी रखते हैं ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुंह में ना चला जाए। वीगन होते हैं, देखिएगा चलेंगे भी तो सामने झाड़ते रहेंगे ताकि कोई भी गलती से उनके पैर के नीचे ना आ जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ना आए, कोशिश तो यही होता है। तो ये कहीं ना कहीं उनका भी अपना एक तरीका है जो बहुत ही अच्छा है। हर किसी का अपना अपना तरीका हो सकता है, बिलीफ है। सेक्रेट क्वालिटीज आर ऑफन एस्क्राइब्ड टू स्प्रिंग माउंटेन पीक्स प्लांट एनिमल्स विच आर क्लोजली प्रोटेक्टेड, है ना। सम सेक्रेट क्वालिटीज यानी जो होता है ना, धार्मिक है, डिवाइन है, पवित्रता, वो बताई जाती हैं स्प्रिंग्स के बारे में, माउंटेन पीक्स के बारे में, प्लांट एनिमल, जिसकी वजह से वो भी एक तरह से सुरक्षित रहते हैं, है ना। जैसे मान लो कि मोर है तो बोला जाता है मोर किसी देवता का सवारी है तो नहीं मारना चाहिए, नाग है तो शिव के गले पर रहते हैं, भगवान शिव के, तो नहीं मारना चाहिए। तो इस तरह से करके एक क्या होता है, उनके प्रति हमारा एक रिस्पेक्ट भी आता है, ध्यान रखिएगा। जैसे यू विल फाइंड ट्रूप्स ऑफ मकेक्स ऑन एंड लंगूर्स अराउंड मेनी टेम्पल। आपने देखा होगा बहुत सारे बंदर हैं, लंगूर हैं, जो कई मंदिरों के आसपास देखे होंगे रहते हैं या मंदिरों में भी रहते हैं। दे आर फेड डेली एंड ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ टेम्पल विद डिवोटी। आप देखे होंगे बहुत सारे केले, खाने पीने के सामान जो हैं मंदिरों में बंदरों को खाने के लिए दे दिया जाता है, या कहीं पर मंदिर के बाहर भी डाल दिया जाता है, वहाँ दुनिया भर के बंदर इकट्ठा हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि एक कहीं ना कहीं उनसे एक रिश्ता है, एक डिवाइन रिश्ता है, माना जाता है कि वो भी टेम्पल के डिवोटी हैं, है ना, वो भी दर्शन करने के लिए आए हैं। इन एंड अराउंड बिश्नोई विलेज इन राजस्थान, बिश्नोई विलेज के आसपास का अगर देखा जाए, या बिश्नोई विलेज में भी हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक चिंकारा
नीलगाय एंड पीकॉक कैन बी सीन एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड नोबडी हार्म्स हिम। यानी बिश्नोई गांव का देखिए, चिंकारा, नीलगाय, पीकॉक, ये इनके लिए अभिन्न हिस्सा है और यहाँ जो भी कम्युनिटी रहता है वो मानते हैं कि ये हमसे जुड़े हुए हैं, इन्हें आप हार्म नहीं कर सकते हैं। तो आपको याद होगा ब्लैक बक केस में कोई सुपरस्टार अभी मुश्किल में पड़े हैं, बिश्नोई समाज पीछे ही पड़ा हुआ था, अभी भी है, तो केस चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि बहुत डिवाइन जब हम लोग देखते हैं तो उसे क्या है कि सामने वाले का हम नुकसान नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आगे आते हैं, द फेमस चिपको मूवमेंट, सबको याद होगा पेड़ों से चिपकने वाला बात, सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज उत्तराखंड स्पेशली हैज़ नॉट ओनली सक्सेसफुली रेजिस्टेड डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरिया बट हैज़ ऑल्सो शोन दैट कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन विद इंडिजिनियस स्पीशीज, ध्यान दीजिएगा, स्पीशीज कैन बी इनॉर्मसली सक्सेसफुल। तो हमारे यहाँ जो चिपको मूवमेंट हुआ है हिमालयन यानी उत्तराखंड रीजन में, वो कहीं ना कहीं ना सफलता दिलाता है डिफॉरेस्टेशन को के विरोध में, यानी डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई को रोकने में मदद करता है कई जगहों पर, और साथ में कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन विथ इंडिजिनियस स्पीशीज, यानी कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन यानी वृक्षारोपण किया गया समुदायों के द्वारा और वहाँ के स्थानीय पेड़ों को जबरदस्त तौर पे लगाया गया। ये नहीं हो सकता कि हमने कटाई करके कोई एग्जॉटिक स्पीशीज ला करके लगा दिया और प्लांटेशन कर दी, वहाँ का वो पेड़ भी नहीं है, ठीक है, या उस पेड़ की वजह से अन्य जो है वहाँ के स्थानीय को दिक्कत हो रहा है, स्थानीय पेड़ों को दिक्कत हो रहा हो, है ना। तो अटेम्प्ट्स टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड ऑफ डेवलपिंग न्यू मेथड ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग आर नाउ वाइड स्प्रेड। इकोलॉजिकल फार्मिंग के लिए अब जो मेथड है उसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है ना, कंजर्व किया जा रहा है, इकोलॉजिकल फार्मिंग पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। क्या है, जो देखो, फार्मर्स और जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स ग्रुप लाइक द बीज बचाओ आंदोलन इन टिहरी, आपको गढ़वाल रीजन, आपका उधर उत्तराखंड, एंड नवदान्य हैव शोन दैट एडिक्वेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिकल वायबल। तो इकोलॉजिकल फार्मिंग कैसे, जैसे फार्मर किसान हैं या वैसे सिटीजन जो इस तरह के ग्रुप जैसे बीज बचाओ आंदोलन टिहरी क्षेत्र में उत्तराखंड या नवदान्य वाला जो ये दिखाते हैं या इनके जो प्रयास ये दिखाते हैं कि अगर डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन अगर करना है, एडिक्वेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड यानी अलग अलग जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन अगर करना है बगैर किसी सिंथेटिक केमिकल यानी आर्टिफिशियली हमने जो केमिकल्स बना रखे हैं फैक्ट्रीज़ में उसका हम अप्लाई ना करें उस तरह से, या वो बगैर किए, है ना, बगैर सिंथेटिक केमिकल का इस्तेमाल किए हुए यानी इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड जो है वो उसके बगैर भी हम लोग खेती कर सकते हैं, जो कि आपको हमें सस्ता भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका, ध्यान रखना, बीज बचाओ आंदोलन टिहरी क्षेत्र में वहाँ के किसान और जो सिटीजन्स हैं उन लोगों ने बीज बचाओ आंदोलन या नवदान्य जैसे तरीक़ों से बता दिया कि हमारे यहाँ क्रॉप, फेरियस क्रॉप लगाए जा सकते हैं बिना सिंथेटिक केमिकल का इस्तेमाल करके और हम ऐसा कम पैसे में कर सकते हैं। इंडिया में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ध्यान देना ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में, इंडिया में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो फर्निश करता है गुड एग्जांपल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। यानी इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये एक अच्छा मंच है जहाँ पर लोकल कम्युनिटीज यानी जो लोकल लोग रहते हैं, जो समुदाय रहती हैं, उनको सरकार के साथ मिल करके फॉरेस्ट का के संबंध में मैनेजमेंट करना यानी उसे हमें सही तरीके से मैनेज करना है, रिस्टोरेशन उसे सुरक्षित बचाना है ताकि फॉरेस्ट डिग्रेड ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जॉइंट वर्क होगा। द प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988 यानी 1988 से ये आपका प्रोग्राम शुरू होता है। व्हेन द स्टेट ऑफ ओडिशा पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी स्टेट ऑफ ओडिशा ने पहला जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के एक रेजोल्यूशन पास कराता है, नियम कानून पास होता है, ठीक है ना, और इसके तहत वो मांग करता है कि मेरे यहाँ सबसे पहले जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट होगा जहाँ पर हम लोकल कम्युनिटीज़ को साथ लाएंगे और वनों की सुरक्षा करेंगे। GFM डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन दैट अंडरटेक
प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मोस्टली ऑन द डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो वैसे डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है, ध्यान देना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो डिग्रेडेड यानी उसका फर्टिलिटी कम है या उसका क्वालिटी वैसा नहीं है, तो वैसे डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड जो वो मैनेज करती हैं, है ना, उस पर जो हम बचाव के जो तरीके आजमाएंगे या बचाव के जो एक्टिविटीज़ किया जाएगा, प्रोटेक्शन एक्टिविटी किया जाएगा, वो लोकल विलेज इंस्टीट्यूशंस को हम इनकॉर्पोरेट करते हुए, ध्यान रखिएगा, जैसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन, तो GFM ने क्या किया, एक लोकल विलेज में एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दिया कि भाई देखो ये संस्था होगी, ठीक है, इसमें कई कम्युनिटीज़ के लोग होंगे, है ना, इसमें सरकार भी है साथ रहेगी, ठीक है, सब एक दूसरे के साथ मिल करके काम करेंगे, किस चीज़ पर काम करेंगे, दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटी, यानी ये बचाने के तरीकों का इस्तेमाल करेगा ये इंस्टीट्यूशन। ये इंस्टीट्यूशन किससे बना है, लोकल विलेज से और गवर्नमेंट से, है ना। अच्छा, प्रोटेक्शन एक्टिविटी मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड, तो जो भी फॉरेस्ट लैंड होगा जो डिग्रेड हो चुका है, जिसमें अब फर्टिलिटी वैसी नहीं है, जहाँ प्लांट्स कम हो गए, जहाँ पर कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन से दिक्कतें आई हों, है ना, कई कारण हो सकते हैं, है ना, मैनेज बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिस डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को मेंटेन करता हो, उस पर प्रोटेक्शन एक्टिविटी, यानी उस पर जो उससे कैसे बेहतर किया जा सकता है उस डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को, वो पॉसिबिलिटी निकालती है कौन, आपका विलेज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इन रिटर्न द मेंबर ऑफ दीज कम्युनिटीज आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडियरी बेनिफिट लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्ट बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। तो इसके बदले में जब विलेज इंस्टीट्यूशन सुरक्षा कर रही है जंगलों की, तो इसके बदले में उन्हें कुछ मिलता भी है इनाम के तौर पे। तो द मेंबर ऑफ दीज कम्युनिटीज आर इंटाइटल्ड टू इंटरमीडियरी बेनिफिट्स, है ना, लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो इसके बदले में जो कम्युनिटी है, जो GFM के तहत जो इंस्टीट्यूशंस बनी गांव में, वो क्या करती है, इंटरमीडियरी बेनिफिट को लेती है। इंटरमीडियरी का मतलब होता है बीच का, है ना, जैसे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्ट, यानी टिम्बर हार्वेस्ट यानी लकड़ियों का जो उत्पादन किया जाता है, ट्रीज का उत्पादन किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े जो आपका तने निकलते हैं, जो कई तरह के फर्नीचर वगैरह बनते हैं या जहाज बनते हैं, तो कम्युनिटीज़ को क्या फ़ायदा मिल रहा है, बीच का बेनिफिट मिल रहा है, इंटरमीडियरी बेनिफिट मिल रहा है। किस तरह का बेनिफिट है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, है ना, और जो टिम्बर का जो हार्वेस्ट हो रहा है, उन दोनों के बीच का जो फायदा है वो वहाँ के कम्युनिटीज़ को मिलता है। इसे ही कहा गया सक्सेसफुल प्रोटेक्शन, यानी सरकार का रोल उतना नहीं है, बस वॉच डॉग की तरह है, बाकी सारी जिम्मेदारी लोकल कम्युनिटी को दे दी गई, तुम बचाओ और इसमें से कुछ कुछ मुनाफा या फायदा तुम भी देखो। तो इसमें बेसिकली देखिए ये दोनों है, क्या है कि जो ये कम्युनिटीज हैं, जो गांव की ये संस्थाएं हैं, ये इंटाइटल्ड होती हैं, दो है इसमें बेनिफिट इनको मिलता है। पहला होता है कि जो इंटरमीडियरी बेनिफिट हैं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट यानी गैर इमारती जो लकड़ियां हैं, है ना, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर यानी वनों के अन्य जो भी आपको प्रोडक्ट होंगे या प्रोड्यूसर्स होंगे, उनका भी ये फ़ायदा लेंगे, यानी ये नहीं लेंगे, टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स नहीं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स यानी गैर इमारती लकड़ियों से, है ना, फॉरेस्ट में तो और भी चीज़ें हैं, पत्ते हैं, फूड हैं, ब्रीवरीज हैं, फ्यूल वुड हैं, तो बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं जिसका कि ये लाभ ले सकते हैं। और दूसरा, सक्सेसफुल प्रोडक्शन की वजह से टिम्बर हार्वेस्ट का भी इनको लाभ मिलता है। ध्यान दीजिएगा, दो हैं, पहला है कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स का बेनिफिट लेते हैं, है ना नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स यानी टिम्बर बेस्ड नहीं होना चाहिए, अन्य चीज़ों का वो लाभ लेते हैं। और दूसरा, सक्सेसफुल प्रोडक्शन करने की वजह से ये जो विलेज इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना,
भी टिम्बर हार्वेस्ट यानी लकड़ियों के उत्पादन से जो सरकार बेचती है तो उससे भी आपको इनको लाभ मिलता है। चलो, द क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनेमिक्स ऑफ द बोथ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया इज दैट लोकल कम्युनिटीज एवरीवेयर हैव टू बी इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। यानी जब क्लियर इसका एक लेसन है कि जो डायनेमिक्स देखा गया है एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन यानी पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है और भारत को अगर हमको रिकंस्ट्रक्शन करना है तो रिकंस्ट्रक्शन भारत को रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि चीज़ों को ठीक करना है। अगर हमको इसमें बुनियाद फंडामेंटल अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट जो ग्राउंड लेवल पर है फॉरेस्ट है उसको अगर ठीक करना है तो हमको लोकल कम्युनिटी हर जगह की जो लोकल कम्युनिटी है जो जंगलों के अंदर और जंगलों के आसपास रहती है उनको हमको इस तरह से इन्वॉल्व कराना है जिससे कि हम अपना नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट कर सकें। ध्यान रखिएगा लोकल्स अच्छा जिम्मेदारी निभाएंगे बट देयर इज स्टिल ए लॉन्ग वे टू गो फॉर बिफोर लोकल कम्युनिटीज आर एट द सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग। लेकिन अभी भी बड़ा लंबा समय लगेगा क्योंकि लोकल कम्युनिटीज़ को अभी है ना सेंटर स्टेज में लाना फिर उसको डिसीजन मेकिंग करने का पूरा उसको अधिकार देना और सही डिसीजन मेकिंग कर सके तो अभी भी इसमें थोड़ा देरी है। एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ दैट आर पीपल सेंट्रिक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग। और हम लोग को यही एक्सेप्ट होना चाहिए वैसे आपको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कह लीजिए आर्थिक या विकास के जो भी कार्य हैं वैसे हम लोग को एक्सेप्ट होना चाहिए जो पीपल सेंट्रिक हो लोगों के बेनिफिट के लिए हो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो यानी पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचता हो और इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग हो यानी आर्थिक तौर पर आपके लिए मतलब आप उसका इस्तेमाल कर पाएँ यानी बहुत महंगे ना हो वो आपको फ़ायदेमंद हो चाहे आपको मार्केट से रिलेटेड हो या खुद के लिए हो, है ना। तो गौतम बुद्ध 487 BC में इन्होंने कुछ बोला इसके बारे में, द ट्री इज़ ए पिक्यूलियर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस, है ना। आप जानते हैं बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने उन्होंने एनलाइटमेंट लिया, है ना। तो ट्री इज़ ए पिक्यूलियर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस, चूँकि पेड़ों से आप समझ लीजिए समझते ही हैं कि बहुत उनका एक हम्बल और काइंड होता है वो सबको छांव देते हैं, बिनेवलेंस एंड मेक नो डिमांड फॉर इट्स सस्टेनेंस यानी कोई अलग से उनका कोई भी डिमांड नहीं होता है पेड़ों का, वो सबको समान रूप से काइंड होते हैं, एंड एक्सटेंड जेनरसली द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स लाइफ एक्टिविटी, और अपने से जुड़ा हुआ जो भी प्रोडक्ट है वो जेनरसली सबको बांटता रहता है चाहे फल हो फूल हो लकड़ियाँ हो। इट एफर्ट्स प्रोटेक्शन टू ऑल बींग्स, ये एफर्ट करता है ट्रीज जो सारे बींग्स को अपने अंदर सुरक्षित ला सकता है सुरक्षित रख सकता है सुरक्षा के दावा कर सकता है किसी भी तरह मेडिसिन हो छांव हो हैबिटेट हो शेल्टर हो कुछ भी, ऑफरिंग शेड इवन टू द एक्समैन हु डिस्ट्रॉयड इट, है ना। हालांकि उसको भी ये छांव प्रोवाइड करता है उस लकड़ी लकड़हारे को भी जो उसी पेड़ को काटने के लिए जुट जाता है। तो ये इसे बहुत कुछ छिपा है इस लाइन में, तो ये गौतम बुद्ध ने ऐसा लाइन इन्होंने कहा था। फिर उसके बाद आइए ये आपका चैप्टर समाप्त तो होता है, इसका NCERT का क्वेश्चन आंसर है ना। फिर फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे चैनल, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है ना। तो वापस से हम लोग देख लेते हैं, ये चैप्टर था आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस बात को समझिएगा कि मैं एग्जामिनर रहा हूँ CBSE बोर्ड में, मैं जानता हूँ कि क्लेम जो होगा आपका वो तय होगा सिर्फ सिर्फ NCERT के बेस पर। कोई भी साइड बुक आप पढ़ने के उद्देश्य से समझने के उद्देश्य से भले ले सकते हैं लेकिन आपको पढ़ना अगर है तो NCERT ही पढ़ना है। लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझिए, मीनिंग बाय मीनिंग समझिए, आपको हॉट एंड लॉट्स क्वेश्चन या केस बेस्ड क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाओगे। मैं रहा हूँ एग्जामिनर, मुझे पता है कि आप अगर कोई दूसरी किताब से अगर पढ़ने लगोगे तो आप भ्रम में चले जाओगे, कारण क्योंकि कई तरह के डेटा NCERT का डेटा है जो हो सकता है कि दूसरे किसी हेल्प बुक में अलग डेटा आ जाए तो वो आपको एक्सेप्टेड ही नहीं है।
तो करना क्या है आपको, आपको सिंपली जो पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, मेरे वीडियो को देखना है। मेरा वीडियो लेक्चर आपने यदि देख लिया है और लाइन बाय लाइन पढ़ लिया है तो समझ लीजिए कि आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। पुनः अगर दोबारा देखना हो तो पुनः दोबारा देख लीजिए, लेकिन ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा कंप्लीट करा देगा, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम लोगों ने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। बेटा इसको दोबारा से पढ़िए, दोबारा जिसको भी ये वीडियो शेयर करना है वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है मुझे कमेंट करिए, डायरेक्ट मुझसे मैसेज करिए, है ना। जितने भी जरूरत हैं उनको ये वीडियो आप भेज दीजिए। याद रखना, क्लास क्यों जाते हो आप स्कूल में, ताकि टीचर आपको बगैर गाने का, बगैर कोई VFX का, CGI का, ये नहीं, वो बोल करके समझाता है। आज भी उपनिषदीय ज्ञान यानी सदगुरु के समीप बैठ करके बोल करके सुनना है ना, और आपके मन के अनुसार, आपके ज़रूरत के अनुसार आपके दुविधाओं को सुलझाना, ये ज़रूरी होता है बच्चा। ये बात याद रखना, बड़ी बड़ी बातों से नहीं होगा, जो है आपको बैठना पड़ेगा साथ में और समझना पड़ेगा। मैं मौजूद हूँ, आप मौजूद हैं, तो फिर क्या करना, तीसरे की क्या ज़रूरत, समझ रहे हैं। तो प्लीज़ इसे कंप्लीट करिए, मेरा बेस्ट विशेस है आपके लिए। और मेरा चैनल युवा नेडू सर को प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही सपोर्ट आपसे चाहता हूँ। और कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करिए, अच्छा ही अच्छा या बुरा वो तो आपके हाथ में है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से सबसे भारत माता की जय, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।